व्यापारी के पास से 1,10,00,000 रुपए कैश बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के साड़ी व्यापारी पुरुषोत्तम भूरा ने पंडरी थाना में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने व्यापारी से पूछताछ की तो व्यापारी ने जमीन बेचकर इतनी बड़ी रकम जुटाने की बात कही और उसने बताया कि यह रकम उसने अपने घर में रखी थी, जिसमें से 72,50,000 रुपए चोरी हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जिसके पास से 72,50,000 रुपए की राशि जब्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों मामलों की जाँच में जुटा है। कल रात मालवीय नगर रोड के व्यवसायी पुष्पराज भूरा सर एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि इनके द्वारा एक क्रिस्टल आर्किड में एक त्रिपाठी के साथ एक डीलिंग हुई थी और डीलिंग पे उसमें कुछ रकम उनके पास छोड़ना बताया था। बाद में जब वो वापस आए तो वहाँ पे रकम नहीं मिला, क्योंकि रकम काफ़ी बड़ा था, 72,00,000 की बात थी। उनके द्वारा इसकी रिपोर्ट कराई थी पंडरी थाना में और रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। साथ ही प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया इतना पैसा मैं लेके आया था करके, तो उनसे पूछा गया कि शेष रकम कहाँ है, तो शेष रकम भी लेके आ जो उपस्थित हुए, टोटल 1,10,00,000 हुआ वो। और जब उसके बारे में पैसे के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसकी अलग से जब्ती की गई है।